गुड मॉर्निंग, तो आप सभी का स्वागत है जर्सी वंडरलैंड में। तो हमारी पूजा हो चुकी है और ब्रेकफास्ट में क्या बना है वो पता नहीं है। और मम्मी ने देखो ये क्या क्या बोल, कितना सुंदर लग रही है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना, कल फूल लेकर आया था ना, ये फूल फिर से मैं सजा। ब्रेकफास्ट में है आलू पोवा, रोटी और भिंडी। ये रोटी और भिंडी तो वैष्णवी के लंच बॉक्स में थी, उसका बच्चा हुआ। तो अभी बन रहे हैं लंच, और लंच में बन रहे हैं चावल और छोले की सब्जी, जो व्हाइट राजमा जैसा आता है उसकी। राजमा नहीं, व्हाइट चने। तो उसकी सब्जी और टमाटर, ककड़ी, गोभी और आलू का सलाद है। हाँ, और रोटी बन रही है। चुका है रोटी, सलाद और छोले की सब्जी और चावल। अभी बजे शाम के 4:30 और मैं लेने जा रहा हूँ वैष्णवी को। तो अभी उसकी बस थोड़ी देर में इधर आ जाएंगी, तो चलो आपको दिखाता हूँ। बस आ गई है, हेलो गाइस। तो अभी बजे शाम के करीब 9 और वैष्णवी इधर होमवर्क कर रही है। हाय। और मम्मी कुछ डिनर में स्पेशल बना रहे हैं, चलो आपको दिखाता हूँ। मम्मी बना रहे हैं, क्या कहते हैं, मोटिया। हाँ, मोटिया ढोकला। ढोकला बना रही हूँ, मूर्तियाँ, इसको टोकला भी कह सकते हैं। और दोपहर को थोड़ा से चावल बचा था, उसमें मैंने रेसिपी डाला हुआ है पहले से, देखना चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और फिर बहुत सारे सब्जियों उसमें बनाते हैं टोकला, जैसे कि लौकी की मूर्तियाँ बन सकते हैं, और मेथी की पत्ते से भी बन सकते हैं, तांजरिया का पत्ते के। ये ढोकला वो वाला ढोकला नहीं है जो के सब कहते हैं कि गुजरात का फेमस खमन ढोकला, ये वाला ढोकला नहीं है। गुजरात में ढोकला है पर कई प्रकार के ढोकले होते हैं, इसमें से एक प्रकार है मोटिया ढोकला, बहुत टेस्टी चाय के साथ। चाय के साथ होता है। डिनर में बन चुका है ढोकला और चाय। इधर क्रिसमस आ रही है और स्टॉल लग चुका है।